अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हमारे पास मौजूद है आज डेल के एक्सपीएस सीरीज। मैंने कहा एक्सपीएस सीरीज पे एक वीडियो बना दूं। लास्ट स्टॉक में से तो एक पीस पड़ा हुआ है, लेकिन उसके अलावा मेरे पास ये फ्रेश स्टॉक में कुछ एक्सपीएस के मॉडल हैं। ऑफ कोर्स ये प्रीमियम सीरीज है, तो आप पहले एक्सपेक्ट कर लें कि जो मार्केट के रेट है ना स्टैंडर्ड नॉर्मल लैपटॉप के, इनकी जनरेशन महंगी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें से जो सबसे सस्ता मॉडल है उसको दिखाते हैं आपको। उसमें मेरे पास आ जाता है डेल एक्सपीएस, ये वाला है i5 है, 6th जनरेशन का इसका प्रोसेसर है, 8 GB रैम है और 256 GB SSD के साथ है। और कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट ही लैपटॉप है। और ये बिल्कुल बेजललेस ही है। देखिए आप इसके बेजल्स का डिजाइन चेक करें, बिल्कुल बेजललेस डिजाइन में ये मशीन आती है। एक्सपीएस 6th जनरेशन भी इसकी बेजललेस डिजाइन में है। ठीक है, और इसमें कैमरा जो है वो जस्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ हुआ है, इस बेजल को इतना ऊपर वाले को स्लिम करने के लिए। तो ये i5 है, 6th जनरेशन है, 8 GB रैम है और 256 GB है। बाहर से ये एल्यूमिनियम मेटल में है और इसको आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रीमियम खूबसूरत और बारीक स्लिम स्मार्ट डिजाइन में है। इन एक्सपीएस सीरीज में रैम वैसे बोर्ड में होती है, तो रैम जिसमें जितनी लगी है उसमें उतनी ही होगी। मतलब जैसे ये 8 GB रैम है तो 8 GB रैम के साथ ही होगा। और 8 GB रैम और 256 GB SSD के साथ ये वाला मॉडल आपको 65,000 में मिल जाएगा। i5 की 6th जनरेशन है ये, आप इसकी ये कंडीशन भी देख सकते हैं। बिल्कुल सिल्वर बॉडी है, स्लिम है, स्मार्ट है, लाइट वेट है, इजी टू कैरी है। 13.3 इंच के स्क्रीन साइज में आता है। 1080p रेजोल्यूशन भी इसमें है, बैकलाइट कीबोर्ड भी है। 65,000 में आपको i5 की 6th जनरेशन वाला मॉडल मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं। तो ये वाला मॉडल है, ये इसी का i7 वाला वेरियंट मेरे पास पड़ा हुआ है। ये भी बिल्कुल सेम लुक और सेम डिजाइन में आता है। इसकी भी आप कंडीशन चेक करना। ठीक है, तो ये इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं। ये भी साफ सुथरा पीस है, 10x10 कंडीशन में है, लेकिन जस्ट i5 की जगह i7 की 6th जनरेशन है। ये आपको 85,000 में मिलेगा। ये आई और ये मेरी फ्रेश बाइंग में है। वो वाला पीस था वो अच्छी प्राइस इस वजह से थी कि वो लास्ट पुरानी बाइंग का पड़ा हुआ है, मैंने उस हिसाब से उसकी अच्छी वैल्यू दे दी है। लेकिन ये मेरा फ्रेश बाइंग में है, तो ये 85,000 में पड़ेगा आपको i7 की 6th जनरेशन R256। और इसके बाद मेरे पास इसी का जो सा वेरियंट पड़ा हुआ है वो i7 की 7th जनरेशन भी पड़ा हुआ है। अब पहले वाले दोनों मॉडल 1080p और बैकलाइट कीबोर्ड के साथ थे, जबकि ये वाला मॉडल है ये 3.5K, मतलब वैसे 4K कहा जाता है इसको, लेकिन 3.5K रेजोल्यूशन में आता है। टच स्क्रीन है और ये भी 1080p रेजोल्यूशन i7 की 7th जनरेशन है। ये वाला मॉडल 16 GB रैम में है और 512 GB SSD के साथ है। कंडीशन आप इसकी भी आप चेक कर सकते हैं। और ये भी सेम लुक पैक करता है, उतना ही स्लिम है जितना वो 6th जनरेशन है। और ये i7 की 7th जनरेशन जो सी है आपको 16 GB रैम 512 GB के साथ 1,10,000 में मिल जाएगा। i7 है 7th जनरेशन का ये मॉडल है, 1,10,000 में आपको एक ये वाला पीस भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो मेरे पास है इसी का i7 8th जनरेशन। ये 16 GB रैम में है, बल्कि ये i7 8 है, ये 8 GB रैम और 256 GB के साथ 1080p के साथ है। और इसका कैमरा ऊपर सीन बेजल में इन्होंने लगा दिया, क्योंकि 8th जनरेशन में आके ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल थी। तो छोटा सा कैमरा इसे ऊपर लगा हुआ है। ये i7 की 8th जनरेशन 8 GB रैम और 256 GB SSD के साथ है। और ये जो है ये आपको 1,18,000 में मिल जाएगा। और ये फ्रेश बाइंग वाले मॉडल हैं, तो इस वजह से इनकी प्राइसेस आपको लग रही होंगी कि ज्यादा है, लेकिन वैसे भी एक्सपीएस महंगा ही होता है, जिसने लेना उसने लेना ही लेना। ये ऐसे मॉडल्स हैं। और वीडियो में कुछ गिफ्ट वगैरह भी हैं, ये मतलब मैं गिफ्ट नहीं करने वाला, मतलब इनका प्राइस ऐसा है कि ये एज अ गिफ्ट ही आप समझ सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाला एक्सपीएस अवेलेबल है। अभी मैंने आपको i7 के 7th जनरेशन की जो प्राइस बताई है वो 1,10,000 है। ठीक है, मेरे पास इसी i7 7 का एक 360 वेरिएंट आता है जो कि कन्वर्टेबल होता है। तो आप ये देख सकते हैं ये कन्वर्टेबल है, 360 है। इसकी कंडीशन थोड़ी सी रफ है, इस वजह से ये बहुत ही अच्छी प्राइस टैग पे है। ये i7 की 7th जनरेशन है, 8 GB रैम है, 256 GB की SSD है। और इसके आप ये अगर वीडियो में देख पा रहे हो तो इसके ग्लास पे ये माइनर सा एक क्रैक है, अगर आपको वीडियो में नजर आ रहा है किसी एंगल पे। ठीक है, तो ग्लास पे माइनर क्रैक है, स्क्रीन में कोई शेड वगैरह नहीं है, इससे कोई इश्यू नहीं बनेगा।
मशीन नॉर्मल है, मतलब ये इतना माइनर शेड है कि मतलब ये मैं इस तरह नाखून रख लूँ तो वो भी नहीं कहीं बैठता, इतना माइनर एक क्रैक है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा i7 की 7th जनरेशन जस्ट 83,000 में, 8256 के साथ। मैं पहले बता रहा हूँ जो स्टैंडर्ड मॉडल है वो 1,10,000 का है, और ये जस्ट ग्लास क्रैक की वजह से हमें बहुत ही सस्ता बिल हुआ, तो आगे भी हम एंड यूजर को बहुत ही अच्छी प्राइस पे प्रोवाइड कर देंगे। तो ये वाला मॉडल कौन सा है, ये i7 की 7th जनरेशन, ये आपको 8 GB RAM 256 GB SSD के साथ मिल जाएगा 83,000 में। और नेक्स्ट हम मॉडल की तरफ चलें तो हमारे पास i5 की 7th जनरेशन एक पीस पड़ा हुआ है। ये i5 है, 7th जनरेशन है, ये वाला मॉडल भी 360 रोटेट में है। इसमें भी एक माइनर इश्यू है कि इसकी एक यूएसबी पोर्ट चल रही है टाइप सी, दूसरी टाइप सी पोर्ट नहीं चलती है, तो सिंगल टाइप सी इंटरफेस के साथ है। बाकी ये भी मशीन ऑल ओके 10x10 कंडीशन में है, बिल्कुल साफ सुथरा ये पीस है। ये भी टच में आता है, और बाय द वे ये वाला टच भी नहीं है, वो 4K रेजोल्यूशन में है। तो ये भी आपको टच स्क्रीन में मिल जाएगा, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ 62,000 में मिलेगा i5 की 7th जनरेशन सिंगल यूएसबी पोर्ट के साथ, मतलब एक टाइप सी चल रही है एक नहीं चल रही है। तो ये वाला मॉडल आपको मिल जाएगा, और आपको मैं पहले बता दूं ये i5 की 7th जनरेशन है, जो सर 6th जनरेशन है ना जो सबसे पहले बताया है, i5 6th जनरेशन जो इसमें 360 टच कुछ भी नहीं है, वो वाला मॉडल मैंने आपको 65 का बताया, और ये आपको 62 में ऑफर करूंगा उसका 360 रोटेट वाला वेरिएंट। तो ये वैल्यू फॉर मनी है, और माइनर इश्यू है, एक यूएसबी बोर्ड हर एक को नहीं चाहिए होती है, एक काफी रहती है, मतलब उस पर आप चार्ज कर सकते हैं और डेटा वगैरह तो ट्रांसफर हो ही जाता है। और इस वाले में ग्लास में माइनर क्रैक है, जो कि बहुत ही मतलब आप देख सकते हैं कैमरे में बड़ी मुश्किल से नजर आता है, इतना माइनर ये क्रैक है। चलाते हुए ये फ्रंट से बैठे फील भी नहीं होता कि हाँ इस स्क्रीन में कोई क्रैक वगैरह है, नजर नहीं आता फ्रंट से चलाते वगैरह। तो बिल्कुल साफ सुथरा ये पीस है, ये सारे आपको क्वांटिटी में मिल जाएंगे, और मतलब मेरे पास क्वांटिटी का मतलब है कि ये यही क्वांटिटी अवेलेबल है जिनसे हैं, मल्टीपल पीसेस इन सब के नहीं है, बहुत ही अच्छी प्राइस टैग पे सारे ऑफर करता हूँ। और हमारी शॉप जो सी है वो हफीज सेंटर गेट नंबर 1 के साथ वाले प्लाजा में है, और शॉप नंबर 1 1st फ्लोर है। लैपटॉप वाला के नाम से हम कारोबार कर रहे हैं, जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो 03080111 4601, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप रब्ता करके इसको ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह भी कर सकते हैं, ये आपको होम डिलीवरी पे भी मिल जाएंगे, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल होती है हमारे एंड पे, और TCS वगैरह भी करते हैं हम लैपटॉप, तो आपको रिसीव वगैरह हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह नई नई वीडियो के साथ हाजिर होते रहेंगे, और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और आपको याद आता रहे कि हमारी भी एक शो है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में और कंटेंट लेके आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।